नमस्कार इंडिया न्यूज चैनल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की जद में है, कोरोना महामारी से जूझ रही है। इससे कब और कैसे निकला जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अब जो खबरें सामने आई हैं वो परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं, क्योंकि अब कोरोना ने दुनिया के सबसे अंतिम छोर पर यानी कि अंटार्कटिका में भी दस्तक दे दी है। अब जो मौजूदा हालात हैं वो ये बताते हैं कि दुनिया का कोई महाद्वीप ऐसा नहीं बचा जहाँ पर कोरोना की घुसपैठ ना हुई हो। यहाँ पर अंटार्कटिका को लेकर ये बात सामने आ रही है कि लातिनी अमेरिकी देश चिली के रिसर्च सेंटर में कोविड-19 के 36 मामले सामने आए हैं। दरअसल 27 नवंबर को चिली से आई डिलीवरी के साथ वहां पर वायरस ने दस्तक दे दी है। हालांकि शुरुआती वक्त में यहां पर भी पर्यटन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसे रोक के बावजूद यहां पर चिली से कुछ सामान आ रहा था और अब ये खबर है किसी सामान के साथ ही जो वायरस है वो यहां से पहुंचा है और इसी वजह से परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। चिली के बेर्नार्डो ओ हिगिन्स रिसर्च सेंटर में चिली सेना के 26 जवान और देखरेख में लगे 10 अन्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जो बयान चिली की सेना की ओर से जारी किया गया उसमें कहा गया है कि सभी सैनिकों को चिली में आइसोलेट कर दिया गया है, स्वास्थ्य कर्मी इन पर नज़र रखे हुए हैं। चारों तरफ से जो अंटार्कटिका है वो दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, ज़्यादातर हिस्सा बर्फ के पहाड़ों से यहाँ पर ढका हुआ रहता है। हालांकि कोरोना की वजह से जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि पर्यटन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 27 नवंबर की वो तारीख जब चिली से कुछ सामान जो है वो अंटार्कटिका पहुंचा था और यही कहा जा रहा है कि इसी की वजह से जो 36 लोग हैं वो संक्रमित हुए हैं। अब तो हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं और अब ये बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पर भी कोरोना की घुसपैठ हो गई है। यानी कि दुनिया का कोई ऐसा छोर नहीं बचा जहाँ पर कोविड-19 इस महामारी ने दस्तक ना दी हो। आप क्या कुछ सोच रहे हैं वीडियो पर कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सावधानी भी आपको बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।